सैयद फारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाज़रीन, आज अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से यहां पर एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से हो या कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपनी कंपनियों में बहुत लॉस उठा चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे जॉबलेस लोग बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के भी हैं, उनको भी ऐसी जॉब मिलना ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने अपने डिग्रीज लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के, बहुत सारे इदारों के लोग हैं। यहाँ पर इन सभी लड़कों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि गौसिया इंस्टीट्यूट की जानिब से यहाँ पर इनको एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज आए हैं और इनको अपनी अपनी जानिब से एक टेस्ट लिया जा रहा है। इस टेस्ट में अगर वो पास होते हैं तो उनको जॉब देने की बात भी की जा रही है। ऐसे तो गौसिया इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐसे बहुत सारे इकदाम होते रहते हैं। पिछले 3 दिन से जो यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वैक्सीनेशन भी किया गया है, यहाँ पर दिगर दूसरे भी आप 2 दिन से काम चल रहे हैं। तो ऐसे में आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाते हुए इन नौजवानों की जिंदगियों को बनाने के कदम उठाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये नौजवान यहाँ पर, से 500 तक नौजवान यहाँ पर मौजूद है, जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने अपने डिग्रीज लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कंपनी के इंटरव्यू होते हैं तो कंपनी चाहती है कि हर चीज़ देखना। तो ऐसे में मेरे साथ अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, तफसील लेने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज जो है गौसिया इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रस्ट में एक मेगा जॉब फेयर कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ ऑफ मेगा जॉब फेयर कर रहे हैं, उसमें आज एक है। आज ये पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के वास्ते हो रहा है, आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स खड़ रहे हैं, तकरीबन 350 इंजीनियरिंग कैंडिडेट अब तक आ चुके हैं और उनको देखने के लिए बहुत से कंपनीज आए हैं। और उन एक जैसे बड़े कंपनीज रहते हैं वो दूसरे कंपनीज़ के लिए रिक्रूट करते हैं, जैसे अब आईक्वेस्ट कर कंपनी आई है, वो 7-8 बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास ये रिक्रूटर हैं, ये इनके ज़रिए से बच्चों को रिक्रूट होते हैं। ये आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है कि डायरेक्ट बड़े कंपनीज़ नहीं आते, रिक्रूटर के थ्रू वो रिक्रूट करते हैं, तो वो हमारे पास आके हैं माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बहुत जो है जॉब्स लेने के वास्ते तकलीफ़ हो रही है। तो इस वास्ते आज इतने बच्चे दिखे इंजीनियरिंग, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे से एक काम होने, अच्छा काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है। कि अब तक तो अब राइट नाउ आज तक 350 बच्चे आ गए इंजीनियरिंग के, सिर्फ बाद में और आएंगे। इसके दूसरे हमारे बी कैंपस में जो पीछे आईटीआई कैंपस है, उसमें दूसरे कोर्सेज के वास्ते, यानी डिग्री कोर्सेज, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, बीबीएम, ऐसे जो भी डिग्री कोर्सेज हैं और डिप्लोमा है और आईटीआई है, उनके वास्ते दूसरे कैंपस में रखे हैं, उनके वास्ते भी तकरीबन 200 बच्चे अब तक आ गए। ये 350 आए, वो 200 बच्चे आए हैं, सब कुल मिला के 550 अब तक हुए हैं। इंशाल्लाह ये सब बच्चों को जॉब मिलेगा और ये हमारा प्रोग्राम, उनके जॉब मिलने से हमारा प्रोग्राम कामयाब होगा। तो ये क्या फ्री सर्विस है, कैसा है? ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, टोटल सोशल सर्विस है। ये फाउंडर्स डे जो हमने मनाया है, डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान बाबा तालीम का जो जन्मदिन था 6 सितंबर, उसके जो मैं सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स गौसिया में हो रहे हैं और अलमीन में हो रहे हैं, उसके एक ही एक प्रोग्राम है जॉब फेयर, और टोटल फ्री सर्विस है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि जो बच्चों को जॉब्स नहीं मिले हैं उनको जॉब्स मिल जाएँ और कंपनीज़ और एम्प्लॉज़ में हमें कनेक्ट पैदा कर रहे हैं। तो आज जो है लॉकडाउन है और कोरोना के हालात में बहुत मुश्किल हो गया है जॉब हासिल करना, तो इन हालात को देखते हुए क्या एक कदम आपने उठाया है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं? ये जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन का दौरान है, यही हम समझ के उठाया कदम, लेकिन जो जैसे कोशिश करते हैं तो अल्लाह रास्ता खोलता है। मुझे मालूम हुआ कि बहुत से वैकेंसीज़ हैं, हज़ारों में कंपनीज़ में लोगों को ज़रूरत है, लेकिन उनको राइट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। जो पढ़ के जो बच्चे निकले हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, अभी उनको एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है, तो उनको लिए ब्रिज कोर्सेज भी हैं। आज वो ऐसी कंपनी भी आए हैं जो ये बच्चों को लेंगे, वो 2-3 महीने के ब्रिज कोर्स कराएंगे और फिर उनको कंपनी में एम्प्लॉयबल होने के लायक बनाएंगे, वो भी चल रहा है, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। यानी कोशिश करें तो जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, कोशिश करें, सही लिंक लगाएं तो ज़रूर है, एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है, अभी रिक्वायरमेंट बड़े कंपनीज़ को बहुत रिक्वायरमेंट है। जी, थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल गौसिया आईटीआई बेंगलोर, ये हमारा माशाल्लाह 7th या 8th जॉब मेला है, जॉब फेयर है, इसके तहत माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी आ चुके हैं
और अभी आप कोई कोई लोग अगर देख रहे हैं तो मेहरबानी से इस मेले का फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और डिग्री स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, पीयूसी स्टूडेंट्स हैं और आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। कम से कम 50 से 60 कंपनीज माशाल्लाह यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। बेहतरीन मौका है, मैं तमाम से अपील करता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। और ये करने का मकसद बस ऐसे ही, आप लोगों को मालूम है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो है बहुत सारे कंपनीज लास्ट की वजह से इधर बंद कर दिए हैं या प्रोडक्शन की वजह से फिलवक्त नहीं काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें मालूम है बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं चल रहा है। हम एक मीडिया बन गए हैं गौसिया में, जब हमारे पास यहाँ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटी है तो हमारा कनेक्ट बहुत अच्छा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, वो लोग डायरेक्ट हमको जो है इसका रिक्वायरमेंट पूछते हैं, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं कि हम उनको दे सकें, तो इस वजह से जो है हम आप लोगों के माध्यम से और दूसरे मीडिया से जो है लोगों को एक कनेक्ट बना के एक फैसिलिटी करते हैं, तो माशाल्लाह ये यही जॉब फेयर बहुत अच्छा कामयाब हो रहा है। तो गवर्नमेंट से कोई मदद मिली है? नहीं, बिल्कुल कोई मदद नहीं है, अलबत्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वो हमारा साथ हमेशा देती है, इस मरतबा भी साथ दी है। हम ये बस फ्री है, किसी के पास हम कोई एक पैसा भी नहीं लेते इधर, बस फ्री है, बच्चों को और कंपनियों को हमारा कनेक्ट पैदा करते हैं बस। ಏನು ಭಯ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಓಕೆ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೀನಗರಿಂದ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಶರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕನಕಪುರ ಸೈಡ್ ಸರ್. ಏನು ಜಾಬಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೈನಲ್. ಫೈನಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ಸುನೀತಾ. ಮೇರಾ ನಾಮ ರಿಜ್ವಾನಾ ತಾಜ್ ಹೈ, ಮೈ ಚನ್ಪಡನ್ ಸೆ ಆಯಿ ಹೂಂ ಔರ್ ಮೇರಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಹೈ. ಮುಝೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಿ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಜ಼ರೂರಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮಾರ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಜಾಬ್ ಢೂಂಡೆಂಗೆ ತೊ ಹಮನ ಬಹುತ್ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಹೈ ಕಿ ಹಮ ವಹಾಂ ಪರ್ ಜಾಕೆ ಢೂಂಡ್ ಸಕೆಂ. अगर इस तरह फेयरवेल करने से गौसिया में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एक अलबर अकेडमी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कैंपस टू कॉर्पोरेट कर को एक ट्रेनिंग दे रही हैं, जिसमें इंटरव्यू के वास्ते कैसा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा डेवलप करना कर को, उसके बाद जैसा ऐसा जॉब फेयर्स रहती हैं वहाँ हम ना ब्लाले को जाकर उनको इंटरव्यूस अटेंड कराती हैं, उनके रिलेटेड जॉब्स रहे तो उनको दिलाते हैं. आपका नाम? अमरिन सादिया. मेरा क्वालिफिकेशन एमकॉम है. मेरा नाम आयशा जबीन है. आई हैव घोसिया में ऐसा जॉब ऑफ फेयर चल रहा है, तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अस. कैंपस टू कॉर्पोरेट हमारी एक ट्रस्ट है अलबर अकेडमी कर लेके, उधर हम ना सब वो अजगर सर कर लेके ट्रेनर हैं, उन्होंने ट्रेनिंग कर रही. ये बारे में हमने तो मालूम नहीं था कि घोसिया में कैंपस है कर लेके अजगर सर बोले, इसलिए हमारी पूरी ग्रुप मिल के इधर आए हैं. कितने भी काम करें हैं? कौन सा जॉब देख रहे हैं? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಈ ಥರ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ನನ್ನ ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಯಿತು ಜೊ ಕಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ದಿಖಾ ಇದರ್ ಪೇ, तो इंटरव्यू अटेम्प्ट किया मैंने एक कैडमैक्स में और एक दूसरे जो जनरली ग्रुप वाइज डिस्कशन था. कैडमैक्स में बोले इंशाल्लाह उसमें होगा, प्रोडक्शन में मेरे को मिलेगा बोले वो. आफ्टर 2 to 3 days दे विल सेलेक्ट बाय इंटरव्यू, उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं बोल के बोले इंशाल्लाह दे. उसके बाद मेल करेंगे वो 3 दिन के बाद, देखते हैं क्या होता है. अभी उम्मीद है इंशाल्लाह जॉब दे अपॉर्चुनिटी दे अंत कॉलेजल इन्फॉर्म ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ದರ್ ಆಗಲಿ ಅವರ್ ಬೇರೆವರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೈತೆ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ನಾನಾ ಥರದ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದವು, ಕ್ಯಾಡ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, V2 Pro ಅಂಥವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಜಿಮಿನಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. मैं अलन से आया हूँ, अलन तालुका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ कर्नाटक से.
यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए थे गुलबर्ग से, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, और हमारा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए।